बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से नीतीश कुमार के ऊपर जोरदार हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को अपराधियों का सबसे बड़ा संरक्षक बताया है। दरअसल जेडीयू सांसद अजय मंडल के घर के बाहर से कुख्यात अपराधी कपिल यादव की गिरफ्तारी हुई, जिसके बाद तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर सबसे बड़ा सियासी वॉर किया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार के सांसद कॉन्ट्रैक्ट किलर और दुर्दांत हत्यारों को अपने आवास में छिपा कर रखते हैं। पकड़े जाने पर कहते हैं कि अपराधी ही मेरे भगवान हैं। बिहार में अपराधियों के सबसे बड़े संरक्षक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी इस उपलब्धि पर फूले नहीं समा रहे हैं। मजाल कोई उनसे इस पर सवाल करे। आपको बता दें कि भागलपुर से जेडीयू के सांसद अजय मंडल के घर के सामने से कुख्यात अपराधी कपिल यादव की गिरफ्तारी हुई थी। कपिल यादव की गिरफ्तारी के बाद जेडीयू सांसद ने कहा था कि उनके घर आया हुआ कोई भी व्यक्ति भगवान की तरह है, भले ही वह अपराधी क्यों ना हो। कपिल यादव कई आपराधिक मामलों में आरोपी हैं। पिछले दिनों भागलपुर के ही बरारी थाना इलाके में फायरिंग की एक घटना में पुलिस को उसकी तलाश थी और वह फरार चल रहा था। पुलिस ने कपिल यादव को सांसद अजय मंडल के घर के दरवाजे से अरेस्ट किया है। कुख्यात अपराधी और कॉन्ट्रैक्ट किलर कपिल यादव की तलाश पुलिस को लंबे अरसे से थी, लेकिन खुद पुलिस को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसकी गिरफ्तारी सांसद के ठिकाने से होगी। शुक्रवार की सुबह तकरीबन 9 बजे जेडीयू सांसद अजय मंडल के घोघा स्थित आवास के बाहर से कपिल यादव को गिरफ्तार किया गया। कपिल यादव कई मामलों में फरार चल रहा था। वह सांसद अजय मंडल से मुलाकात करने पहुंचा था और जैसे ही उनके घर से बाहर निकला वैसे ही पुलिस ने सांसद के दरवाजे से ही उसे दबोच लिया। कुख्यात कपिल यादव ने 11 जून की रात बरारी थाना इलाके में हनीफ शाह के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग की थी। पुलिस को इस मामले में भी उसकी तलाश थी। जिस बाइक पर सवार होकर कपिल यादव सांसद अजय मंडल से मिलने पहुंचा था उसे भी पुलिस ने जब्त कर लिया। उसकी गिरफ्तारी के बाद जेडीयू सांसद ने कहा था कि उन्हें मालूम नहीं था कपिल यादव कोई बड़ा अपराधी है। कपिल यादव की गिरफ्तारी के बाद जेडीयू सांसद ने कहा कि अगर कोई मेरे घर मिलने आता है तो वह मेरे लिए भगवान की तरह है। अजय मंडल ने कहा है कि उनके घर आया अपराधी भी भगवान है, इसलिए वह इस मामले में कुछ नहीं कर सकते। अब इस मामले को लेकर तेजस्वी नीतीश कुमार पर हमलावर हो गए हैं। हालांकि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार नीतीश कुमार पर सवाल उठाते रहे हैं और रही बात कुख्यात अपराधी कपिल यादव की गिरफ्तारी की, तो बेशक तेजस्वी यादव और विपक्षों को एक ऐसा मुद्दा मिल गया है जो नीतीश कुमार के ऊपर सवाल खड़ा कर रहा है। और तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि नीतीश कुमार अपराधियों के सबसे बड़े संरक्षक हैं।